नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हां दोस्तों, तो जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वैकेंसी के बारे में बताया था, जो कि वैकेंसी अभी आने वाली थी, अभी आई नहीं थी, उसके शॉर्ट नोटिफिकेशन के आधार पर हमने जानकारी दी थी, जो कि BSF ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टोनोग्राफर और हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के पदों के संदर्भ में था। तो अब जाकर इन्होंने अपना डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और फॉर्म भरने के लिए लिंक भी ओपन कर दिया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इच्छुक हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, वो भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने से पहले कुछ डिटेल्ड जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए कि आप इस फॉर्म को भरने योग्य हैं या नहीं हैं। तो इसी के बारे में आज हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल पोस्ट, कितने पोस्ट आए हैं। तो इसमें देखिए ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टोनोग्राफर की जो है वह 11 पद निकाली गई हैं और हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की 312 पद। अब देखिए, इसमें इनके पोस्टों के संदर्भ में कुछ असमंजस्य बना हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें पदों के बारे में कोई नहीं बताया गया है, मतलब कुछ बताया नहीं गया है उसमें। बस ये बोला गया है कि हो सकता है कि बाद में इसको बढ़ाई या घटाई जा सके। लेकिन इनका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें जो ASI के जो जितने पद थे वो केवल ST कैंडिडेट के लिए रिजर्व थे, यानी कि केवल ST कैंडिडेट से भर पाते, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए सभी के लिए इसमें पद थे, यानी कि जनरल, OBC, SC, ST सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ पद है, तो ये सभी भर सकते हैं, यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पद ये सब भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो ASI की इसमें भर्ती निकली हुई है, जो 11 पद के बारे में बताया गया था शॉर्ट नोटिफिकेशन में, ये केवल ST के लिए रिजर्व है। तो देखिए यदि इसके बारे में कोई जानकारी निकलती है, अब चूँकि डिटेल्स नोटिफिकेशन में इसके बारे में नहीं बताया गया है, यदि उसमें कोई सुधार होता है या कोई जानकारी दी जाती है तो उसकी जानकारी आप लोग को दे दी जाएगी। इसके पे स्केल की मैं बात करूँ तो इसमें अच्छी खासी पे स्केल होती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में 29,200 से लेकर 92,300 रुपये तक इसका पे स्केल होता है, और हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के पद के लिए 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक का इसमें पे स्केल होता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वैकेंसियाँ निकली हुई हैं यह सबकी सब ऑफिशियल वर्क के लिए है, तो इसमें आप लोगों को बॉर्डर पर तैनात रहने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को बंदूक लेकर या फिर कोई भी ऐसा, मतलब जो GD पोस्ट वाले अभ्यर्थी करते हैं वैसा काम आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा ये जो जैसे कि ये तो हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो भर्ती है ये तो पूरी तरह से मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, और इसमें केवल ऑफिस में आप लोगों को एज ए क्लर्क के रूप में काम करना होता है। तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है यदि आप देश की सेवा करना चाहते हैं, और यदि आपकी हाइट कुछ छोटी है या फिर आपका फिजिकल फिटनेस उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है जितना किसी GD के अभ्यर्थी का होता है, तो आपके लिए फॉर्म बहुत ही सूटेबल है। चलिए हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो एज लिमिट मांगा गया है वह 18 से 25 साल मांगा गया है, यानी कि यदि आप 18 से 25 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और एज की जो गणना की जाएगी वह 1 अगस्त 2022 से की जाएगी, यानी कि 1 अगस्त 2022 को आपकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट और OBC कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिल रही है, यानी कि SC और ST कैंडिडेट 30 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, और वहीं OBC कैंडिडेट 28 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की बात करें तो ये देखिए 8 अगस्त 2022 से लेकर 6 सितंबर 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि आज के दिन से ये फॉर्म भरना प्रारंभ हो गया है। आप जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए और अब फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। फीस की बात करूं तो यहाँ पे 200 रुपये आप लोग को अदा करना होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल, OBC और EWS के लिए 200 रुपये देना होगा, और अन्य अभ्यर्थियों के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, यानी कि SC ST कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं देना होगा, लेकिन जनरल, OBC और EWS के लिए 200 रुपये लगेंगे। चलिए बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल मांगा गया है, एकेडमिक शिक्षा के संदर्भ में इसमें केवल 10+2 एग्ज़ाम पास आप लोगों को चाहिए दोनों वैकेंसी के लिए, यानी कि ASI स्टोनोग्राफर के लिए भी आप यदि 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए भी यदि आप 12th पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कुछ अलग अलग भी क्राइटेरिया मांगा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के संदर्भ में। जैसा कि यहाँ पर शॉर्ट हैंड की बात करूँ, यदि आप ASI के लिए भरते हैं तो इसमें आप लोग को शॉर्ट हैंड आना चाहिए, जो कि हिंदी और इंग्लिश, मतलब हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी एक में कर सकते हैं, और दोनों 80 वर्ड प्रति मिनट शॉर्ट हैंड आप लोग का होना चाहिए।
वहीं हम बात करें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, तो इसमें आप लोग को टाइपिंग करना होगा। इसमें यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 35 शब्द प्रति मिनट आप लोग को करना होगा, और यदि हिंदी में करते हैं तो 30 शब्द प्रति मिनट आप लोग को टाइपिंग करना होगा। यानी कि यदि आप ASI के रूप में फॉर्म भरते हैं तो आप यदि 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, यानी कि स्टेनोग्राफी आप लोग को आना चाहिए, हिंदी या फिर इंग्लिश किसी में से एक में, और 80 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। यदि आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए फॉर्म भरते हैं तो आप यदि 12th पास हैं या फिर उसके समकक्ष पास हैं आप, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें टाइपिंग में इंग्लिश 35 शब्द प्रति मिनट करना होगा यदि आप इंग्लिश टाइपिंग चुनते हैं, और यदि आप हिंदी टाइपिंग चुनते हैं तो 30 शब्द प्रति मिनट आप लोग को टाइप करना होगा। इसके परीक्षा में मुख्य रूप से 10-10 मिनट का आप लोग को समय मिलेगा, 10 मिनट का इसमें भी, 10 मिनट का इसमें भी, तो 10 मिनट में आप लोग को टाइप करना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो गलती की जो गुंजाइश है वह 10% आप लोग को छोड़ दिया गया है, शॉर्ट हैंड में भी 10% और टाइपिंग में भी 10%। यानी कि 10% यदि आपकी एक्यूरेसी सही नहीं रहती है, यानी कि 90% आप लोग की एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, उससे यदि कम होता है तो आप इसमें छट जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। इसमें कुछ फिजिकल, असल में इसमें दौड़ के बारे में नहीं बताया गया है, तो आप लोग का बस फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें कि आप लोग की हाइट और चेस्ट की माप की जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हाइट की। हाइट यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का मापा जाएगा। इसमें कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं, जैसे कि जनरल OBC और SC और EWS के लिए जो हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल का, और फीमेल का 155 सेंटीमीटर। यदि आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए मेल का वह 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि हम बात करें ST कैंडिडेट की, तो ST कैंडिडेट भी 162.5 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए मेल की, और फीमेल की 150 सेंटीमीटर। वहीं हम बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट की जो मपनी होती है वह केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है, फीमेल की मपनी नहीं की जाती है। फीमेल का मुख्य रूप से वजन नापा जाता है, और उसमें भी मुझे लगता है कि यदि आप 40 किलो से कम हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। फिलहाल अभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, वो तो मेडिकल स्टैंडर्ड की बातें होती हैं तो बाद में पता चल जाएगा आप लोगों को, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मेल कैंडिडेट्स का केवल यहाँ पे चेस्ट की मापनी होगी, और फीमेल जो कैंडिडेट्स होंगी उनका चेस्ट का मापन नहीं होता है, उनका केवल हाइट मापा जाएगा और वजन कर लिया जाएगा उनका। मेल कैंडिडेट की बात करें, इसमें हम जो कि केवल मेल कैंडिडेट के लिए ही है चेस्ट का, तो इसमें जनरल OBC SC और EWS के लिए 77 सेंटीमीटर न्यूनतम आप लोगों का चेस्ट होना चाहिए, यानी कि सामान्य अवस्था में, और इसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव आप लोग का होना चाहिए, यानी कि कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, और 77 सेंटीमीटर न्यूनतम आप लोग का चेस्ट होना चाहिए नॉर्मल स्थिति में। यदि हम ST की बात करें तो 76 सेंटीमीटर इसमें मांगा गया है, यानी कि 1 सेंटीमीटर कम चल सकता है ST कैंडिडेट के लिए, लेकिन जो फुलाव होगा इनके लिए भी 5 सेंटीमीटर ही मान्य होगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर इन्हें भी फुलाव करना होगा। ये सभी जानकारी हो गई, तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें मुख्य रूप से दो पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट्स वन और पार्ट टू। पार्ट वन में मुख्य रूप से आप लोग का रिटन टेस्ट हो जाएगा जो कि OMR बेस्ड पे होता है, और पार्ट टू में और सभी जो सिलेक्शन प्रोसेस हैं जैसे कि PST और आप लोग का टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, इसके ये सब कराया जाएगा पार्ट टू में। तो चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा, आपके स्क्रीन पे वो प्रदर्शित होगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है फॉर ASI स्टोनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। यहाँ पे देखिए दो फेज़ में आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस होगा। फर्स्ट फेज़ जो होगा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा आप लोग का, और सेकंड फेज़ में आप लोग का फिजिकल मेजरमेंट शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा ASI स्टोनो के लिए, और टाइपिंग टेस्ट होगा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, और इसमें आप लोग का डॉक्यूमेंटेशन होगा, और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर जाके आप लोग का सिलेक्शन होगा। यानी कि जो फर्स्ट पेपर होगा आप लोग का, फर्स्ट फेज का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसी के आधार पर आप लोग का कट ऑफ बनेगा, और ये कट ऑफ निर्धारित करेगा कि आप सेकेंड फेज़ में जाएंगे या नहीं जाएंगे। सेकेंड फेज़ का जो भी है पैमाना वो सभी क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि उसमें बस आपको क्वालिफाई कर लेना है। सेकेंड जब फेज हो जाएगा फिर लास्ट में एक कट ऑफ निकाला जाएगा, जिसका आधार भी फर्स्ट फेज का जो रिटन एग्जामिनेशन है वही होगा। इसमें देखिए मुख्य रूप से जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें मुख्य रूप से 5 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि पहला हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिसमें 20 मार्क्स के वो प्रश्न आएंगे और 20 क्वेश्चन रहेंगे।
पार्ट सेकंड जो होगा वह जनरल इंटेलिजेंसी का होगा यानी कि रीजनिंग का होगा, 20 मार्क्स के ये भी होंगे। उसके बाद जो पार्ट थ्री है वह न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है यानी कि मैथमेटिक्स के प्रश्न होंगे 20 मार्क्स के, और पार्ट फोर जो होगा वह क्लर्कियल एप्टीट्यूड का होगा यानी कि जो कलर के संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी होती है उसके बारे में ये पूछा जाएगा जो कि 20 मार्क्स का होगा, और पार्ट फाइव जो होगा आप लोग का वो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के बारे में प्रश्न आएगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। यानी कि कुल मिला के बात किया जाए तो 100 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर के वो होंगे। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि इसका जो OMR बेस्ड होगा यानी कि ऑफलाइन आप लोग का पेपर होगा OMR बेस्ड, और समय की यदि बात करें तो आप लोग को कुल मिलाकर 1 घंटा 40 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये पेपर हो जाने के बाद आप लोग को अगले फेज के लिए बुलाया जाएगा जिसमें से देखिए हेड कांस्टेबल के पदों के लिए 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, और वहीं बात करें हम स्टोनों के लिए तो वहाँ पे 30 गुना लोगों को बुलाया जाएगा स्टोनों के पेपर के लिए। और जब फेज सेकंड की बात करें तो इसमें आप लोग का फिजिकल मेजरमेंट हो जाएगा जो कि चेस्ट और हाइट है, उसके बाद फिर आप लोग का स्टोनों के लिए स्टोनो टेस्ट हो जाएगा, स्टोनोग्राफी का टेस्ट हो जाएगा, हेड कांस्टेबल के लिए टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आप लोग का सिलेक्शन इसमें कर लिया जाएगा। तो दोस्तों यही जानकारी आप लोग को देनी थी, आशा करता हूँ कि जानकारी आप लोग को समझ में आ गई होगी, और यदि किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन रहती है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, यदि उसकी जानकारी हुई तो उसकी जानकारी अवश्य दी जाएगी। कहीं ना कहीं जब मैं इसके जो मेन इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अधूरा चीज़ें मैं देख रहा हूँ, तो हो सकता है कि बाद में उस चीज़ को सही कर दिया जाए, यदि उस चीज़ को सही किया जाता है तो उसकी जानकारी आप लोग को दे दी जाएगी। फिलहाल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया पद है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, खासकर इसमें 300 कितनी पोस्ट आई हैं, इसमें 312 पदों के बारे में बताया गया है, और यह पदें बढ़ भी सकती हैं, कई बार यह 500 या 600 के आसपास भी जा सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होता है। तो यही जानकारी देनी थी दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके, और चैनल कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कर दें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।